हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास सेवेंथ इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट थ्री लेसन नंबर थ्री पॉइंट फोर द ब्रुक स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ ब्रुक इज नदी या झरना लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कुट एंड हर्न आई मेक अ सडन साली मीन्स यहाँ पे ब्रुक मींस नदी बता रही हैं कि मेरी अचानक से जर्नी स्टार्ट हुई है हॉन्ट से मींस लंबे समय तक एक जगह पर नदी थी फिर वहाँ से उसकी अचानक से जर्नी स्टार्ट हुई है जहाँ पर कुट एंड हॉर्न ये बर्ड्स हैं कुट एंड हॉर्न इज अ टाइप ऑफ अ वाटर बर्ड्स एंड स्पार्कल आउट एमोंग फर्न टू बीकर डाउन अ वैली फर्न मीन्स ग्रीन प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स विदाउट फ्लावर ब्रू कह रहा है जब मैं इस फंस के बीचों बीच से होकर मूव करता हूँ ट्रैवल करता हूँ तो स्पार्कल होते हुए ट्रैवल करता हूँ चमकते हुए ट्रैवल करता हूँ टू तो बीकर डाउन अ वैली और जब मैं वैली से नीचे की तरफ आता हूँ तो एक साउंड साउंड आती है दैट इज़ बीकर By 30 hills, I hurry down or slip between the ridges. Brook कह raha hai मैं ऐसे 30 hills को across करते हुए नीचे की तरफ आता हूँ और जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ है रिजेस मीन पहाड़ उनको उनके बीचों से मैं स्लिप होते हुए आता हूँ बाई ट्वेंटी tops अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ हंड्रेड ब्रिजेस और ऐसे ट्वेंटी थॉप्स मीन्स ट्वेंटी विलेजेस को एक्रॉस करते हुए एंड लिटिल लिटिल टाउन्स को एक्रॉस करते हुए हाफ हंड्रेड मीन्स फिफ्टी ब्रिजेस को एक्रॉस करते हुए मैं ट्रैवल करता हूँ टिल लास्ट बाय फ़िलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइनिंग द ब्रीमिंग रिवर और लास्ट में मैं फ़िलिप्स फार्म के नियर एक ब्रीमिंग रिवर है उसके साथ जॉइन होकर मैं फ्लो करता हूँ फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लाइन ब्रुक ने बताई है मैन के बारे में कि मैन का बर्थ एंड डेथ होता है कभी बर्थ होता है और कभी न कभी उनका डेथ भी हो जाता है बट मै जो नदी है वो हमेशा रहती है उनका डेथ उनका एंड कभी नहीं होता है नेक्स्ट हैं आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स ब्रु कह रहा है जब मैं पत्थरों के ऊपर से होते हुए गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उनसे बातें करते हुए गुजरता हूँ चैटर मीन्स बातें करते हुए स्टोनी मीन्स पत्थरों से इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स अब जब उनके ऊपर से होते हुए गुजरते हैं तो ऐसा लगता है वो बातें करते हुए गुजर रहे हैं और आवाज़ आती है शार्प एंड ट्रेबल्स की आई बबल इन टू एडिंग बेस एडिंग बेस जब किसी किनारे से वाटर टकराता है तो बबल्स भी जो है फॉर्म होते हैं आई बैबल ऑन दी पैबल्स। और पैबल कंकड़ पत्थर से जब होते हुए गुजरते हैं टकराते हैं तो कंटिन्यूस फिर भी उनका फ्लो होते रहता है विथ मैनी अ कर्व my बैंक आई फ्रेड by मैनी अ फील्ड एंड फैलो यहाँ पर ब्रुक बता रहा है कि मैं बहुत सारे कर्व्स किनारों पर बैंक्स में कर्व्स लेते हुए मैं डैमेज भी होता हूँ आई फ्रेड मीन्स डैमेज होना डैमेज करते हुए फील्ड एंड फैलो से भी एकस करते हुए मैं ट्रैवल करता हूँ फील्ड मीन्स फर्टाइल सॉइल जहाँ पे लैंड फील्ड लैंड होते हैं एंड फैलो मीन्स इनफर्टाइल ऑइल उन लैंड से भी होते हुए मैं ट्रैवल करता हूँ एंड मैनी अ फेयरी फॉर लैंड सेट विथ विलो विड एंड मैलो और बहुत सारे सुंदर जो लैंड होते हैं जहाँ पे सुंदर हरियालियाँ होती हैं चारों तरफ वहाँ से भी मैं होते हुए ट्रैवल करता हूँ विलो विड एंड मैलो जहाँ पे विलो विड एंड मैलो फ्लावर्स भी होते हैं वहाँ भी मैं होते हुए ट्रैवल करता हूँ आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइनिंग द ब्रीमिंग रिवर और मैं बातें करते हुए इस तरीके से फ्लो होते हुए रिवर को हो जाता फॉर मैन मे कम एंड बट आई गो ऑन फॉर एवर इस तरीके से मैन आते हैं और चले जाते हैं बट मैं हमेशा रहता हूं थर्ड स्टेंजा आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ यहां पर ब्रुक कह रहा है मैं वाइंड होते हुए मूव करता हूँ इन एंड आउट इन एंड आउट होते हुए मूव करता हूँ वाइंड में इस तरीके से मूवमेंट होता है वाटर का एंड हीयर एंड देयर विथ हीयर ए ब्लूसम सेलिंग ब्लूसम इज अ फ्लावर कुछ ट्रीज के ब्रांचेस uh, नदी के ऊपर होते हैं और वो फ्लावर कभी कभी क्या होते हैं टूट कर उस पानी में गिर जाते हैं वो फूल और वो भी क्या होते हैं नदियों के साथ वो फूल भी जो है ट्रेवल करने लगते हैं बहने लगते हैं एंड हीयर एंड देयर अ लस्ट्री ट्राउट एंड हीयर एंड देयर अ ग्रेलिंग इस तरीके से लस्टरी ट्राउट एंड ग्रेलिंग जो फिश है वो भी इस ब्रुक के साथ ट्रेवल करते हैं एंड हीयर एंड देयर अ फोमी फ्लिक अपॉन मी एज आई ट्रेवल और फोमी फ्लिक में जो झाग के पार्टिकल्स होते हैं वो भी मेरे साथ ट्रैवल करते हैं विथ मैनी सिल्वरी वाटर ब्रिक्स अबाउट द गोल्डन ग्रेवल और मेरे साथ सिल्वरी वाटर ब्रिक्स मीन्स जो पेबल्स होते हैं कंकड़ पत्थर होते हैं उनके कलर सिल्वर कलर के होते हैं इसलिए उसे सिल्वरी वाटर ब्रेक कहा गया है गोल्डन ग्रेवल मीन्स जो सैंड होते हैं वो गोल्डन कलर में होते हैं इसलिए उसे गोल्डन ग्रेवल कहा है तो ये सारे भी जो हैं इस ब्रुक के साथ ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ ट्रैवल होते हैं फ्लो होते हैं एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू ज्वाइनिंग द ब्रीमिंग रिवर इस तरीके से सारे लोगों को मैं खींचते हुए आगे की तरफ फ्लो होता हूँ और ब्रीमिंग रिवर को जॉइन हो जाता हूँ फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर मैन आते हैं और चले जाते हैं बट मैं हमेशा रहता हूँ आई स्लिप स्लाइड ग्लूम एंड ग्लैंस एमोंग माई स्कीमिंग्स वैलो और मैं स्लिप स्लाइड ग्लाइम ग्लैंस मीन्स स्लिप करते हुए फिसलते हुए राउंड राउंड करते हुए या फिर स्लोली स्लोली करते हुए जो मूवमेंट करते हुए मैं आगे की तरफ फ्लो होता हूँ और स्कीमिंग स्वेलो मीन्स जो बर्ड वाटर के सरफेस को टच करके वापस उड़ जाते हैं उसे स्कीमिंग्स वैलो को कहते हैं आई मेक द नेटेड सनब्रीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलो और कभी कभी क्या होता है जो ट्री की ब्रांचेस होते हैं वो नदी के ऊपर होते हैं और सन की लाइट जब उन पर पड़ती है तो एक शेडो फॉर्म होता है तो जब पानी जब ट्रैवल करता है तो वो शेडो में ऐसा लगता है डांस करते हुए जो है वो आगे की तरफ जा रहा है अगेंस्ट माई सैंडी फैलो मीन्स रिवर uh, के नीचे जो है सैंड uh, का सेडिमेंट्स होता है तो उनके अगेंस्ट जो है वाटर डांस करता है और फ्लो करता है आई मरमर अंडर मून एंड स्टार इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस मैं रात के समय जब मून एंड स्टार होते हैं तो मैं मरमर करके जो है आवाज़ करता हूँ और इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस और जंगली uh, जो जंगल होते हैं वहाँ से भी मैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल होते हैं वहाँ से भी गुजरते हुए मैं फ़्लो करता हूँ आई लिंगर बाय माय शिंगली बार्स जब मैं किसी शिंगली बार्स किसी कंकड़ पत्थर से टकराते हुए टकराता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे कुछ समय के लिए ठहर जाता हूँ लिंगर मीन्स ठहर जाना आई लोइटर इटर राउंड माई क्रेसिस क्रेसिस मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्लावर जो फ्लावर से ये वाटर ब्रुक जो है फ़्लो होता है तो फिर जो राउंड होते हुए स्लोली uh, आगे की तरफ मूव होता है एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइनिंग द ब्रीमिंग रिवर इस तरीके से वो कर्व लेते हुए फ़्लो करता है और ब्रीमिंग रिवर को ज्वाइन कर लेता है फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर इस तरीके से मैन आते हैं और चले जाते हैं बट मैं हमेशा रहता हूँ इस तरीके से हमारा ये ब्रुक पोयम जो है फिनिश होता है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो